हाय एवरीवन, आई बिलीव आप सब राजी खुशी होंगे। आज मैंने सोचा एक कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूं। आज सुबह सुबह जब मैं मॉर्निंग उठा तो एक बंदर देखा मैंने और एक चिड़िया देखी पेड़ के ऊपर। तो मुझे लगा कि अरे कहानी मुझे ये शेयर करनी चाहिए। तो उससे एक मुझे कहानी याद आई। क्या होता है कि एक बार एक बंदर और चिड़िया दोनों साथ साथ रहते हैं पेड़ पे। तो बंदर चिड़िया कुछ नहीं कहता और चिड़िया बंदर कुछ नहीं कहती। तो होता क्या है कि धीरे धीरे चिड़िया तो अपना घोंसला बना लेती है और अपना आराम से, जैसे ही सर्दी होती है तो अपना घोंसले के अंदर घुस जाती है और सर्दी से ठुठरन से बचती है। और बंदर बेचारा बाहर बैठ के अपना ठिठरता रहता है। और जैसे गर्मी होती है तो वो अपने घोंसले के अंदर जाती है और बंदर अपना बाहर वहीं पर बैठता है साथ साथ पेड़ पर, और वो बेचारा गर्मी में मरता रहता है। तो ये चिड़िया ने एक दिन देखा, यार ये तो मतलब मैं तो हमेशा ही सुख में रहती हूँ और ये बंदर बेचारा दुखी होता रहता है। क्यों ना मुझे इस बंदर को बताना चाहिए कि यार तू भी अपना घोंसला बना ले। तो वो क्या करती है, बंदर के पास जाती है और कहती है उसे कि ना यार मैं तो ऐसे ऐसे रहती हूँ और मुझे बड़ा फ़ायदा होता है, तो तुम भी घोंसला बना लो अपने लिए या कुछ ऐसा बना लो, घर सा बना लो। तो बंदर को बड़ा गुस्सा आता है, कहता ये चिड़िया सी मुझे मुझे अपना ज्ञान दे रही है, इसकी हैसियत क्या है जो मुझे ये सिखा रही है बातें। तो वो क्या करता है, अगले दिन उस चिड़िया का ना घोंसला ही तोड़ देता रात को। वो चिड़िया जो है वो तो उड़ जाती है, वो अपना जाके दूसरे पेड़ पे अपना घोंसला बनाती है। मतलब मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि आप ये देखो भाई, किसी बंदर को तो ज्ञान नहीं दे रहे आप। कई बार क्या होता है कि हम ना बंदरों को ज्ञान दे रहे होते हैं, वो क्या कर देते हैं इंटेंशनली टेंगल, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, टेंजिबल और इनटेंजिबल, वो क्या करते हैं आपको नुकसान करने की कोशिश करते हैं। वो डायरेक्टली आपको तो कई बार फिजिकली तो नहीं कर पाएंगे, बट वो फाइनेंशियली या फिर आपको मॉरली या इमोशनली वो आपको नुकसान पहुँचाएंगे। तो आप ये बहुत मतलब बहुत देखने की ज़रूरत है, आपको अपने लाइफ में इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि क्या आप ज्ञान बंदर को तो नहीं दे रहे, कहीं वो आपको चिड़िया समझ रहे, कहते हैं ये चिड़िया है इसको तो उड़ा दो। तो ये हैप्पी नेस लाने के लिए अपना एक गुरु मंत्र होता है कि आप ये चेक करो कि आप मतलब किससे इंटरेक्ट कर रहे हो। कई बार क्या होता है कि मैं एक जगह देख रहा था कि दे आर फोर वेज कि हम जो है कई बार ना अपने अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट कर लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत सही चल रही होती है, हमें लगता है बहुत मस्त चल रही है, फिर भी हम क्या करते हैं थोड़े दिनों में, यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यार, ये मतलब कैसे हो रहा है यार, सेल्फ डाउट आने लग जाता है यार, यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा यार, कभी भी मैं नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ जैसे यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा, सेल्फ डाउट आ जाता है कई बार। तो हमें ये चेक करना चाहिए, चार बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि जिससे हमारा जो सेल्फ डाउट है या सेल्फ वर्थ है, हम अपने ऊपर ही क्वेश्चन मार्क मार देते हैं कई बार कि भैया यार मैं क्या पता कैपेबल हूँ कि नहीं हूँ, यार ये तो इतना ज्ञान दे रहे हैं, ये लोगों के पास तो इतना पता है, नए बच्चे जो बूढ़े होते हैं वो कहते हैं नए बच्चों को तो यार इतना सब कुछ पता है, यार क्या पता मैं इनको बता भी पाऊंगा कि नहीं बताऊंगा। पर हमें अपने सेल्फ डाउट को हटाने के लिए देयर आर फोर वेज, तो आपको वही चार वेज मैं शेयर करता हूँ। ये पहला होता है कि आप ये चेक करो कि आप किसके साथ अराउंड, मतलब अपने आसपास के एनवायरनमेंट को चेक करो कि भैया आप फोर फाइव मेंबर्स को चेक करो, जैसे बंदर ने, जैसे चिड़िया ने बंदर के साथ रहती थी तो वो उसका एनवायरनमेंट था, उसके आसपास के लोग थे। तो आप ये चेक करो कि आपके जो चार पाँच लोग हैं जिससे आप इंटरेक्ट करते हो पूरे दिन में, वो कैसे हैं। लाइक एनर्जी दो तरह के होते हैं, या तो वो आपको मोटिवेट करेंगे या आपको डीमोटिवेट करेंगे, या तो आपको बूस्ट कर रहे हैं या आपको नीचे गिरा रहे हैं। चेक करो कि यार ये कहीं डीमोटिवेटिंग वाले लोग तो नहीं है, उन डीमोटिवेटिंग वालों को हटाओ और जो बूस्ट कर रहे हैं आपको आपकी लाइफ के अंदर, आपकी ग्रोथ के अंदर, उनको अपनी ज़िंदगी में ऐड अप करो। तो आपको ये बहुत चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम जैसे ही डीमोटिवेट होते हैं या मोटिवेट होते हैं तो हमारे अंदर जो फील गुड फैक्टर होते हैं जैसे डोपामिन है, एंड्रोपिन है, तो ये जो मेथड्स होते। गाइस वीडियो कट गया था तो विल स्टार्ट इट अगेन। तो मैं ये कह रहा था कि पहला जो हमारा फैक्टर है कि हमें अराउंड अपने अराउंड्स अपने सराउंडिंग में चेक करना चाहिए कि भैया वो जो फैक्टर है वो हमें ऊपर उठा रहे हैं या हमें नीचे गिरा रहे हैं। अगर ऊपर उठा रहे हैं तो उन्हें हमें ऐड अप करना चाहिए, अगर वो नीचे गिरा रहे हैं तो हमें आउट करना चाहिए। तो सेकंड जो आपको बहुत अच्छा एक मैं मेथड बताऊंगा कि आपको अपनी ग्रेटिट्यूड को एक्नॉलेज करना चाहिए। मतलब कि क्या होता है कि हम जो है ना सुबह सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं कि अपने आप को भगवान को कहते हैं थैंक यू भगवान, हमें इस दुनिया में आपने भेजा है, चलो थैंक यू कि हम जिंदा है, एटलीस्ट कल रात को मरा तो नहीं। तो एटलीस्ट मतलब ग्रेटिट्यूड भावना,
एक तरह से ग्रेटिट्यूड भावना हमारे जीवन में आती है, तो इससे बहुत ज़्यादा हमारे को प्लस पॉजिटिव मिलती है। कैसे मिलती है? क्योंकि उससे क्या होता है, जैसे ही हमारे अंदर जब ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमारे अंदर डोपामिन और सेरोटोनिन नाम के दो जो है हार्मोन्स होते हैं, वो रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में। उससे क्या होता है कि जैसे होते हैं तो हमारे अंदर ना फील गुड फैक्टर आता है कि भैया, जो हमारे मूड को ना बूस्ट कर देता है। कभी भी आप देख लेना कि अभी कहो कि यार चलो एटलीस्ट, कभी कोई आदमी कहे कि यार बहुत लॉस हो गया उसको, मान लो बिजनेस में, वो कहे यार चलो थैंक यू भगवान, या चलो मेरे पास ना अभी चलो एटलीस्ट मेरे पास मेरे घर तो है, और किसी का चलो घर भी चला गया तो कहे यार एटलीस्ट मेरे मतलब मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी तो है कि मैं किराए पर रह सकता हूँ, चलो किराए वाला भी ख़त्म हो गया। अब कहे यार, वो कहे कि यार ग्रेटिट्यूड कैसे देखने की भावना है, कैसे देखेगा वो? वो कहे यार चलो यार एटलीस्ट मैं जिंदा तो हूँ, कि मतलब मेरे हाथ पैर सही सलामत तो है, और किसी का हाथ भी कट जाए मतलब फिजिकली, वो कहे यार चलो कम से कम मेरी सांस तो जिंदा चल रही है, एटलीस्ट मैं सांस तो ले पा रहा हूँ। कुछ लोगों को तो वो नहीं आती। तो ये एक तरीका है देखने का लाइफ को कि कैसे आप अपने अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना ला सकते हो। थर्ड फैक्टर मैं आपको बताता हूँ कि ऑफर द काइंड, मतलब कि हम क्या कहते हैं कि जैसे सेवा भाव करना, मतलब ऑफर द काइंडनेस वे। कि कभी क्या होता है कि मैं जैसे बचपन में जैसे मैं आश्रम वगैरह में देखता था या अभी भी देखता हूँ, तो वहाँ क्या होता है कि लोग ना सेवा कर रहे होते हैं कि भैया कुछ काम करा दिया हमने, कुछ सेवा कर दी कि भैया पानी पिला दिया, लंगर में खाना खिला दिया। तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर ना सेवा की भावना आती है, और सेवा की भावना आने से क्या होता है, हमारे अंदर जो है ना ऑक्सीटोसिन नाम का जो एक हार्मोन होता है वो बूस्ट होता है, और उस ऑक्सीटोसिन से क्या होता है कि हमारे अंदर फील गुड की भावना आती है। कभी भी आपने देखा होगा शादी ब्याह के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं, कई बार वो बड़े खुश हो रहे होते हैं क्योंकि वो सेवा कर रहे होते हैं नए नए बरातियों की, उनको बड़ा फील गुड फैक्टर होता है। तो वो क्या होता है कि उससे ऑक्सीटोक्सिन नाम का एक केमिकल होता है ना रिलीज होता है, वो सेवा करने वाले को भी मिलता है और सेवा करवाने वाले को भी मिलता है। इसके दो फैक्टर है, मतलब जो पानी पी रहा है उसको भी फ़ायदा, और जो मतलब जो कर रहा है उसको भी फ़ायदा। और जब चौथी में आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो एक चीज़ बताऊँगा वो ये है कि आपको अपने जीवन में 20 to 30 मिनट्स एक्सरसाइज में ज़रूर निकालने हैं। उससे क्या होता है कि जब हम फिक्स फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल वर्कआउट करते हैं, या फिर हम वॉक करते हैं, या हम कुछ भी योगा करते हैं, वट एवर यू आर एंगेज, तो उससे क्या होता है कि एंड्रोफिन्स जो होता है, एंड्रोफिन्स का लेवल बढ़ता है। एंड्रोफिन्स होते हैं कि जिससे हमारा स्ट्रेस जो है ना कम हो। और एक होता है कोर्टिसोल, कोर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है उसका जो लेवल है वो डिक्रीज होता है। उससे क्या होता है कि जो हमारा हैप्पीनेस है ना, हैप्पीनेस वो थोड़ी इंक्रीज होती है। तो मैंने आपको चार मेथड्स बताए हैं। पहला मेथड आपको ये बताया कि आप जो है अपने सराउंडिंग में चेक करो कि भैया हम जो है अपलिफ्ट वाले लोगों के साथ रह रहे हैं या डाउन करने वाले लोगों के साथ रह रहे हैं, जो हमें एक्टिवेट कर रहे हैं या डीमोटिवेट कर रहे हैं। ओके, दूसरा आपको देखना है कि आप जो गुड स्टफ़ है उसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड भावना करो। कोई भी आपको कुछ भी काम करके देता है उसके लिए आपको थैंक्स करना चाहिए, या अगर आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी हो रहा है उसको भी आपने हमेशा पॉजिटिव वे में भगवान का है थैंक यू करते हुए चलना चाहिए, या किसी का भी करते हुए चलना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि भगवान को करो। तो और तीसरा मैंने आपको बताया कि आप थोड़ा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस करो, जैसे कि किसी को हम पानी पिला देते हैं, पशु पक्षी को, किसी को हम हेल्प कर देते हैं, राह चलते हुए को हमने वो क्या कहते हैं थोड़े से रोटी खिला दी, ये होता है एक्ट ऑफ काइंडनेस। इससे क्या होता है, हमारा जो है ना हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उससे हमारा जो मूड है वो ओके होता है। वो फोर्थ है सबसे इम्पोर्टेंट, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करोगे तो आपके अंदर जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हुए आपका जो मूड है वो पॉजिटिव रहेगा, और आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ के अंदर उसको टैकल करने की आपके अंदर क्षमता बढ़ जाएगी। चलो गाइस, मैंने ये जो आपको थोड़े से टिप्स दिए हैं, आई होप आई बिलीव आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे और आपकी लाइफ को और आगे और मोटिवेट करेंगे और आपको चीयर अप करेंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय, साइनिंग ऑफ नरेश।